बिछ गई है यूपी की महाबिसात। राज्य के महायोद्धा चल रहे हैं चाल दर चाल। जनता किसे बनाएगी अपना सिरमौर? उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेगी किस ओर? देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम यूपी का वोट युद्ध। की जनता वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान है और जिसके से दिक्कतों का सामना करना पड़ा 20 सालों से लगातार वो दुखा करते आ रहे हैं कैंट विधानसभा की जनता। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बना के मुझे भारी मतों से विजयी बना के आगे सरकार बनाए। क्या लगता है, आपने कहा कि आप खिलाड़ी भी हैं एक तरह से, तो जो राजनीति का खेल चल रहा है उसमें आप कितना कुशल उनके ऊपर होंगे, क्योंकि 30 सालों से ही एक ही गढ़ बना के रखा है बीजेपी का उन्होंने। देखिए खिलाड़ी खेल भावना से खेल खेलते हैं और हम एकदम सच्चे मन से अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपने कैंट विधानसभा की जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपने काशीवासियों की सेवा करना चाहते हैं। और खिलाड़ी का एक ही लक्ष्य होता है विजय। और हमारे परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार एक महिला को, एक साधारण महिला को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद स्वरूप टिकट दिया उन्होंने, इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल जी के भाजपा में जाने से क्या लगता है आपको कि इस चुनाव पर असर पड़ेगा? ये व्यक्तिगत उनका विचार है, उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, समाजवादी पार्टी में विष्णु शर्मा जैसे शानदार हमारे महानगर अध्यक्ष हैं वर्तमान के, और हमारे आशुतोष सिन्हा जैसे MLC हैं, लाल बिहारी जी जैसे MLC हैं, डॉक्टर बहादुर यादव जैसे हैं, और हमारे शानदार सुरेंद्र पटेल जी हैं। तो समाजवादी पार्टी किसी की मोहताज नहीं है, समाजवादी एक पंथ है, ये नेता जी की, ये हमारे लोहिया जी की है, और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता हमेशा समाज का परचम लहराते रहेंगे। चुनाव के दल बदल की राजनीति जो हो रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये लोगों का अपना व्यक्तिगत विचार है, उनको जहाँ लाभ दिखे वो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जसवाल जी की बात कर रहे हैं तो ये उनकी पर्सनल चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी। मैं अभी देखिए, मैं सीधी सी बात जानती हूँ, मैं काशी पुत्री हूँ, मुझे अपने कैंट विधानसभा में किल्लत नहीं समाधान चाहिए, और समाधान के लिए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ भेजा है, और मैं जनता का आशीर्वाद लूंगी।